नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको जानकारी दूंगा कलह कलेश क्यों होता है। आप जब परिवार में सुबह के समय उठते हैं तो अकारण ही कलह कलेश हो जाता है, या फिर आप अपने कार्य को करके जब अपने घर शाम को पहुंचते हैं तो कभी कभी कलह कलेश हो जाता है। ये सुबह दोपहर शाम रात अक्सर ये होता ही क्यों है कलह कलेश, इसका कारण और निवारण आपको दोनों बताऊंगा। इसी के साथ ही सफलता का एक ऐसा अचूक महाउपाय जो आपके हर कार्य को सफल बना देगा वो भी आपको बताऊंगा। पंचांग की आपको जानकारी दूंगा, आज का दिव्य मंत्र दूंगा, इसी के साथ ही कौन सा रंग आज आपके लिए बेहतर रहेगा ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए आज का दिव्य महामंत्र। आज के दिव्य मंत्र को आप जरूर नोट कर लें, ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करने से आपके घर में अकारण होने वाले जो खर्चे हैं वो रुक जाते हैं, यानी धन की बचत होने लगती है और फिजूल खर्ची एकदम से बंद हो जाती है। तो इसको आप जरूर अपनाइएगा, देवी लक्ष्मी की महाकृपा आप पर बनी रहे। आज का पंचांग आप नोट कर लें, दिनांक 15 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, उपरांत हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। आज के अशुभ काल अर्थात राहु काल को भी नोट कर लें, सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे तक का ये जो समय है इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। दिशाशूल दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि आज इस दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। जाना पड़े बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा मिष्ठान या मिठाई खाकर आप जो है जा सकते हैं, भगवान का ध्यान करके आप जा सकते हैं। अब सबसे पहले विषय की ओर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके घर में सुबह के समय यानी मॉर्निंग टाइम में कलह कलेश क्यों हो जाता है। देखिए सुबह के समय कलेश की जो है दो मुख्य वजह होती है, एक तो आप रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। घर में वास्तु दोष का होना भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण माना जाता है पारिवारिक कलह कलेश का। घर के ठीक सामने कोई गंदगी का ढेर है, या फिर आपके घर के उत्तर पूर्व में आपने वॉशरूम टॉयलेट बनाया हुआ है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, आप इसको नोट करें। और हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में आप अपना सराहना करके सोते हैं। घर के मंदिर में आप कोई साफ सफाई नहीं करते, धूल मिट्टी वहां जमी हुई है, आप कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं, कलह कलेश हो जाती है, तो आप इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो उपाय क्या करना है ताकि ये सुबह की मॉर्निंग टाइम की जो एक कलह कलेश आपके घर में हो रही है वो ना हो। देखिए घर के मंदिर को बिल्कुल स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, हर रोज मंदिर में आप धूप दीप जलाइए और सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, और हमेशा साफ सुथरे कपड़े आप पहनना शुरू कर दें। मतलब ऐसा ना हो कि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपने कोई पुराने कपड़े या फिर गंदे आपने वस्त्र जो है पहनकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, इस चीज से भी आपको परेशानी हो सकती है। हम आपको बताने वाले हैं कि आज का सफलता का जो महा अचूक उपाय लेकर आए हैं उसे आप लिए बिना कहीं मत जाइएगा। उससे पहले जान लेते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का योग है, पुरानी समस्या आज हल होगी, करियर में कुछ नया करने का आप प्रयास करेंगे। अब इस प्रयास के साथ साथ आपने गुलाबी रंग अपना लिया तो आप सफल भी हो सकते हैं। बात करते हैं वृष राशि की, जीवनचर्या में आप सुधार कर लें तो बहुत बेहतर होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आज आपको सहयोग मिलेगा, काम का दबाव थोड़ा सा प्रेशर आज आप पर बढ़ सकता है, सफेद रंग आपके इस प्रेशर को इस दबाव को कम कर देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की,
दौड़भाग आज थोड़ा सा बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के योग भी हैं, यानी दौड़भाग बढ़ी तो आपको फायदा भी हुआ, लेकिन धैर्य और शांति बनाए रखिए, नारंगी रंग आपके लिए आज बेहतर साबित होगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा क्योंकि राहु ने भी राशि परिवर्तन किया है। देखिए, धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे, सही योजना बनाकर सही प्लानिंग करके आप काम करिएगा, तभी आप सफल होंगे। पीला रंग आपके लिए आज शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, लाभदायक यात्रा के योग भी हैं, अकारण पारिवारिक विवाद हो सकता, बस ये ध्यान रखिएगा, लाल रंग आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। करियर में सुधार होने का योग है, जीवन में प्रेम और रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। अपने स्वास्थ्य की थोड़ा सा चिंता करिएगा, ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, काला रंग आपके लिए उत्तम साबित होगा। अब बात करते हैं शाम के समय होने वाले कलह कलेश की। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि अक्सर शाम होती है और उनके परिवार के अंदर वाद विवाद शुरू हो जाता है, तो ये क्यों होता है? देखिए, घर में शाम के समय कलेश का जो मुख्य कारण होता है वो होता है पितृ दोष और गंदगी। तो पितृ दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गंदगी आप बिल्कुल घर में ना रखें। यदि आप अपने घर के सोने वाले कमरे में गंदगी रखते हैं, सारा सामान कपड़े आपके इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो शाम के समय कलेश निश्चित समझिएगा, क्योंकि यहां पर हर तरीके से पीड़ित हो जाएगा मामला। यदि आप पितरों के लिए हर अमावस्या पर कुछ दान नहीं करते और जरूरतमंद लोगों की अमावस्या के दिन मदद नहीं करते, तो कलेश जो है हो जाता है। जन्म पत्रिका में राहु पंचम भाव में हो और सूर्य पीड़ित हो तो पितृदोष बन जाता है, और पितृदोष जो है कलह कलेश का जो है एक मुख्य जो है कारण बन जाता है। घर में आग और पानी के बीच में कोई फासला नहीं है, यानी गैस स्टोव के पास आपने पानी भर के रखा है तो बस आप समझ लीजिए। फिर घर में मांस मदिरा का आप सेवन करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश आपका हो सकता है। तो ये तमाम हमने आपको बताई, ग्रहों की युति बताई, कारण बताया, तो आप निवारण भी जानिए, वो भी आपको बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ था। ग्रहों के अनुसार आपने जान लिया, अब इसको खत्म करिए, यानी कि समस्या का निदान कर दीजिए आप। देखिए, प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक तिल के तेल का दिया आप जरूर जलाना शुरू कर दीजिए। हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का एक दिया आप जरूर जलाएंगे, इससे आपका पितृदोष भी कम होगा और आपके परिवार में शांति रहेगी। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक खाना जरूर बांटिए, फायदा होगा। घर में शाम के समय किसी भी कमरे में आप अंधेरा मत रहने दीजिए, ऐसा ना हो कि शाम हो, संध्या काल हो, गोधूली वेला काल हो और आपने सभी कमरों की जो है लाइट बंद कर दी है, रोशनी नहीं है वहां पर और एक कमरे में आप बैठे हुए हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का राशिफल। लेकिन आपको बता दूं, आज सफलता का जो अचूक उपाय आपको देने वाला हूं उसको आप लीजिए, अपनी जिंदगी को एकदम से सफल कर लीजिए। जान लेते हैं तुला राशि का दैनिक राशिफल। अचानक समस्याएं आपकी हल होंगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर की समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन अपने आप पर आप बिल्कुल भरोसा रखिएगा, सुनहरी रंग अपनाइएगा, हर तरीके से आप लाभ पा जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की। वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग बने हुए हैं, गलत लिया हुआ निर्णय आपके काम बिगाड़ सकता है, किसी बुजुर्ग के सहयोग से आज आपको लाभ भी मिलेगा, केसरिया रंग अपनाइए, हर तरीके से अपने आप को लाभान्वित कर लीजिए। तो हमने आपको बताया कि ये कलह कलेश क्यों हो जाता है, इससे कैसे आप बच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि घर में
यदि रात ही के समय कलह कलेश हो जाता है, बात बिगड़ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा कारण ही शुरू हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है ये भी आप जानिए और निवारण भी जान लीजिए। अक्सर लोगों के घर में सुबह, दोपहर, शाम, रात एक ऐसा समय होता है जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो घर में रात के समय ऐसा क्यों होता है यह भी बताता हूं आपको। घर में रात के समय कलेश का जो मुख्य कारण होता है वो होता है शनि ग्रह, और जन्म पत्रिका का चौथा भाव ये अगर खराब हो गए तो गड़बड़ हो जाती है। आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनि मेष राशि में यानी शनि नीच का है और चौथे भाव में पापी ग्रह विद्यमान है तो ऐसा हो सकता है। यदि आप अपनी माता और माता समान स्त्रियों का अपमान करते हैं, यानी कि चंद्रमा हर तरीके से आप पीड़ित करने की ठान चुके हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। आप अपने घर में शाम के समय सोते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है कब शाम हुई, कब दोपहर हुई, कब रात हो गई, और शाम के समय आप घर पर खाना नहीं बनाते, बाहर से मंगाते हैं खाना, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप घर का खाना खाएं, आप एकदम से स्वस्थ रहेंगे और ये पारिवारिक कलह कलेश खत्म होने लगेंगे। आप मनमानी करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कोई भी सलाह लेना पसंद नहीं करते, यानी बड़े बुजुर्ग आपकी माता हैं, आपकी बड़ी बहन हैं, आपके पिता हैं, वो आपको समझाते हैं लेकिन आप एक नहीं सुनते उनकी, अपनी मनमानी करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इस उपाय को अपनाइए, उनका कहा मानिए। अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, विवाह की समस्या हल होगी, आर्थिक पक्ष आपका उत्तम होगा, कार्यों को हड़बड़ी में और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, गाजरी रंग आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी, धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, हरा रंग आपके लिए उत्तम है। बात करते हैं मीन राशि की, नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं, संपत्ति और परिवार इनके बीच में आप देखेंगे कि विवाद का योग बन गया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लाल रंग आपके लिए शुभ साबित होगा। अब हमने आपको शुरू में बताया कि सफलता का एक ऐसा महा उपाय जो कि आपके लिए अचूक साबित होगा वो क्या है उसको आप जानिए। एक मुट्ठी साबुत मूंग आप शाम के समय भिगो दीजिए और सुबह के समय आप पक्षियों को डाल दीजिए, ऐसा करने से आपका रुका हुआ व्यापार बिल्कुल चलने लगेगा। तो रुके हुए व्यापार को चलाना है तो सफलता के अचूक उपाय को आप अपना लीजिएगा, फिर देखिए आपको कितना फायदा होता है। अब बात करते हैं किचन के एक ऐसे महा उपाय की जिसको करने के बाद परिवार से नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी, यानी कि परिवार के अंदर जो कलह कलेश ये सब बातें हो रही थी उसको खत्म करने का हमारी किचन में ही एक ऐसा नुस्खा छुपा हुआ है, एक ऐसी छोटी सी चीज छुपी हुई है जिसको आप बाहर निकालेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या है वो चीज? वह है सफेद तिल। आप सफेद तिल को गाय के गोबर से बने हुए उपले पर थोड़ा सा जलाइए और इसके धुएं को आप अपने घर में सब जगह दिखाइए, आप महसूस करेंगे कि पारिवारिक विवाद खत्म हो रहे हैं, मनमुटाव दूर हो रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी डे बाय डे कम होती जा रही है। तो हमने आपको बताया कि कैसे आप पारिवारिक कलह कलेश को दूर करके अपने घर के अंदर सुख, समृद्धि, वैभव आदि बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो ज्योतिष गुरु आपको हर दिन कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं, आपको नई जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष गुरु के साथ जुड़े रहिए और कल इस समय फिर आपके लिए हम प्रस्तुत होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।